सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? दोस्तों, आज हम लोग आपके इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर फोर का जो इकोनोमेट्रिक्स की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। गाइस, ये लेक्चर नंबर 3 लेक्चर नंबर 2 की तरह ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने वहाँ पे 7 से 8 नंबर की वेटेज का पढ़ा था, उसी प्रकार आज भी हम लोग गाइस अच्छी खासी वेटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। अपने आप में देखो, जो मैं टॉपिक आपसे कवर कर रहा हूँ दैट इज़ लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जो कि हमारा सबसे पहली यूनिट है, ठीक है, आपके सिलेबस में। वहाँ से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस की जो है आएंगे पेपर में। तो जब आप इन 2 से 3 क्वेश्चंस की बात करते हो तो आपको इस चैप्टर को, इस यूनिट को बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है फोकस करके पढ़ना है। तो अभी पढ़ाना शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने वाला हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले होंगे, और आपको ही पता लग जाएगा पहले पूरे लेक्चर को देखने से पहले कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो आप टॉपिक यहाँ पे स्टडी करोगे मेरे साथ में बेटा, दैट इज जो टॉपिक आप मेरे साथ में स्टडी करोगे दैट इज मीनिंग ऑफ द टर्म लीनियर रिग्रेशन। देखो, जब भी मैं कहता हूँ लीनियर रिग्रेशन तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग ऑफ टर्म। और कौन से वाले टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग? लीनियर। हम ये कहते हैं ना कि जो लीनियर जो इक्वेशन होती है, जो रेग्रेशन मॉडल होता है, वो लीनियर इन पैरामीटर, लीनियर वेरिएबल, हम ये सब बातें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से समझनी है, गारंटी है यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा। एक तो मीनिंग ऑफ टर्म लीनियर रेग्रेशन, ठीक है, जो भी आप बात करते हो कि किस आप किस प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन बोलोगे, ये लीनियर बोलोगे, ठीक है, लीनियर इन पैरामीटर बोलोगे, लीनियर इन वेरिएबल बोलोगे, समझ में आ गई? ये पेपर में क्वेश्चन पक्का आएगा, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज गॉस मार्को थ्योरम। ठीक है, गॉस मार्को थ्योरम, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% ये पूछी जाएगी, 100% गॉस मार्को थ्योरम। जैसे हमने अभी प्रॉपर्टीज ऑफ दी ओएलएस की बात करी थी, ठीक है, ऐसी ये गॉस मार्को थ्योरम है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये मेरी बात समझ में आ गई। तो आज हम ना ये दोनों लेक्चर जो ये दोनों टॉपिक को ना कवर करने वाले हैं, तो स्टार्ट करें, चलिए लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा लीनियर रिग्रेशन में जो टर्म्स होते हैं उसका मीनिंग। जब एज यू नो, हमारे लीनियर रिग्रेशन के अंदर वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वेरिएबल्स दैट इज एक्स एंड वाई। ठीक है, वेरिएबल्स है बेटा हमारे सामने एक, तो दूसरा गाइस हमारे पास पैरामीटर्स हैं। ठीक है, पैरामीटर्स, तो अब पैरामीटर्स और वेरिएबल, इन दोनों में फर्क क्या होता है, पहले ये चीज समझ लो गाइस। आप लोग गाइस, पैरामीटर बेसिकली बीटा वन एंड बीटा टू है। गाइस देखो, वेरिएबल जो होते हैं वो बेसिकली हमेशा वेरिएबल रहते हैं। हमेशा वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है कि मान लो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है तो वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी चेंज होगा। ठीक है, दैट इज ये C इज इक्वल टू सी बार प्लस का स्मॉल सी वाई गाइस कंजम्पशन फंक्शन। तो यहाँ पे जो ये वाला C और ये Y है, दीज आर दी वेरिएबल्स। ठीक है, और जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो गाइस एक्सिस पर भी बेसिकली ये यही वैल्यू देंगी, यहाँ पे C आएगा और यहाँ पे बेटा Y आएगा। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था। बट जो बेटा पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर बेटा हमारा एरर को मिनिमाइज करके निकलते हैं। जब हम अपने एरर को, सैंपल एरर को मिनिमाइज करते हैं, देन गाइस हम लोगों को पैरामीटर्स की वैल्यू मिलती है। ठीक है बेटा, नाउ अब बेटा एक स्टेटमेंट आती है यहाँ पर कि जो लीनियर रिग्रेशन, जो ये जो टर्म लिखा हुआ है लीनियर रिग्रेशन, इसका मीनिंग क्या होता है। लीनियर रिग्रेशन का मतलब होता है कि जो हमारे पास में मॉडल है दैट इज पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, वो लीनियर होगा इन पैरामीटर बट इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल्स। मतलब मैं पहले तो एक स्टेटमेंट लिख देता हूं कि लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन मीन्स, लीनियर रिग्रेशन मीन्स द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन पी आर एफ इज लीनियर
इज लीनियर लीनियर इन पैरामीटर्स इन पैरामीटर्स बट इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल बेसिकली. ठीक है, तो जस्ट ऐसा मान के चलो कि जो बीटाज होते हैं इनकी पावर वन होनी चाहिए कुछ भी हो जाए. ठीक है, बीटाज जो होंगे इनकी पावर वन होनी चाहिए. अब अगर अब दूसरी बात वाई और एक्स की पावर वन हो तो कोई बात नहीं, वन ना हो तो भी कोई बात नहीं. ठीक है, मतलब वन हुआ तो तब भी वो लीनियर बोला जाएगा, और अगर वन नहीं हुआ, मान लो एक्स की पावर टू हो गई, मान लो यहाँ पे एक्स की पावर टू हो गई, नॉन लीनियर है बेसिकली एक्स की पावर. तो गाइस एक्स की पावर भले नॉन लीनियर, बट ये मॉडल हमेशा लीनियर बोला जाएगा. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. तो गाइस ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लीनियर इन पैरामीटर्स, लीनियर रिग्रेशन का मतलब होता है कि जो पी आर एफ होता है वो लीनियर इन पैरामीटर होता है, बट इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल्स. ठीक है बेटा, अब बेटा कुछ एग्जाम्पल समझ लो. यहाँ पर कुछ छोटे से एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको मतलब कैसे कैसे इक्वेशन मिलेंगी जिनको आप लीनियर फिर नॉन लीनियर बोलोगे. एग्जाम्पल बेसिकली जैसे हमारे पास इक्वेशन है वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा वन प्लस का बीटा टू एक्स आई प्लस का म्यू आई. तो गाइस बेसिकली दिस इज लीनियर. ठीक है, मतलब देखो बीटा वन की पावर वन, बीटा टू की पावर वन, डजन मैटर एक्स वाई की पावर क्या है, वो बात अलग है कि यहाँ पर भी इसकी पावर वन है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सिमिलरली बेटा यहाँ पे वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई स्क्वायर प्लस का म्यू आई. ठीक है, तो गाइस दिस इज बेसिकली लीनियर, ये भी लीनियर बोली जाएगी बेटा. ठीक है, एंड एक एक मान लो रेगुलेशन मॉडल है एल एन वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा वन प्लस का बीटा टू एल एन एक्स आई प्लस का म्यू आई. ठीक है, तो गाइस देखो बात ये है कि वाई बेसिकली आप क्या सकते हो अलग हो गया, एक्स हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बट बीटा वन बीटा टू की पावर तो गाइस वन ही है, तो गाइस अभी भी आप इसको लीनियर बोलोगे. ठीक है, एंड सिमिलरली बेसिकली अगर मैं यहाँ पर लिख के चलता हूँ वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा वन प्लस का बीटा टू की पावर थ्री एक्स आई प्लस म्यू आई, तो गाइस ऑब्वियसली बात है बीटा टू की पावर तीन हो गए, तो इसे आप बोलोगे नॉन लीनियर. ठीक है बेटा, क्या बोलोगे मेरे बच्चा इसे, इसे आप बोलोगे मेरे बच्चों नॉन लीनियर. गॉट इट. नाउ फिफ्थ पॉइंट, दैट इज वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री एक्स आई प्लस का म्यू आई. अच्छा गाइस इसको क्या बोलोगे, अगेन गाइस इसको भी हम नॉन लीनियर बोलोगे. अब लो से नहीं, पावर तो वन वन है. हाँ पावर तो वन वन है, लेकिन गाइस जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये मतलब कर्व में ड्रॉ होगा. ठीक है, तो बेसिकली जब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है तो गाइस वो रिजल्ट नॉन लीनियर देता है. ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई. तो गाइस बेसिकली जब भी लिखा हुआ होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर रेग्रेशन मॉडल, तो इसका मतलब होगा द पॉपुलेशन रेग्रेशन फंक्शन इज लीनियर इन पैरामीटर्स बट इट मे और मे नॉट बी इन लीनियर इन वेरिएबल्स. ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को मेरी. नाउ अब बेटा यहाँ पे अगला जो टॉपिक मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ आप लोगों से, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल लीनियर क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, दैट इज CLRM. गॉट इट, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशन. गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में मान के चले अजम्पशंस नॉर्मली आती हैं पेपर में आपके, अब वो एंट्रेंस हो या एकेडमिक्स हो, गाइस हर जगह बेसिकली क्वेश्चन आता है. तो गाइस बेसिकली हमारे पास अजम्पशन है, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वन बाय वन. देखो बेटा सबसे पहली अजम्पशन हमारे पास जो होगी वो ये होती है, जैसे यही वाली सबसे बड़ी अजम्पशन है जो मैंने अभी अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताई है, वही सेम अजम्पशन है गाइस, दैट इज द रेग्रेशन
रेग्रेशन मॉडल इज लीनियर, मॉडल इज लीनियर इन पैरामीटर्स, इन पैरामीटर्स, बट इट मे और मे नॉट बी, इट मे और मे नॉट बी लीनियर, मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल। ठीक है, ये तो ये बात तो गए हम लोग कर चुके हैं, मतलब ये टॉपिक की हेडिंग भी थी और ये अलग से भी, मतलब इन्होंने अजम्पशन से ऐड करिएगा। ठीक है, तो बेसिकली गाइस ये हमारी फर्स्ट अजम्पशन है। ठीक है, नाउ अगले अजम्पशन की बात करते हैं हम लोग बेटा, यहाँ पर वो है बेटा सेकंड इज द कैपिटल एक्स, द कैपिटल एक्स, द कैपिटल एक्स वैल्यूज आर नॉन स्टोकास्टिक, वैल्यूज आर नॉन स्टोकास्टिक, नॉन स्टोकास्टिक। ठीक है, द कैपिटल वैल्यूज आर नॉन स्टोकास्टिक एंड एक्साइज आर, एंड एक्साइज आर फिक्स्ड, एंड एक्साइज आर फिक्स्ड। ठीक है जी, एंड एक्साइज आर फिक्स्ड। गाइस ध्यान रखना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कि जो कैपिटल एक्स वैल्यूज होती हैं वो नॉन स्टोकास्टिक होती है। नॉन स्टोकास्टिक का मतलब आप समझते हो क्या होता है बेटा? देखो, आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको स्टोकास्टिक समझाया था, तो स्टोकास्टिक का मतलब होता है जिसमें एरर्स होते हैं। आई रिपीट, स्टोकास्टिक का मतलब होता है जिसमें एरर्स होते हैं। तो इसका मतलब बेटा नॉन स्टोकास्टिक का मतलब क्या हो गया बेटा? विदाउट एरर्स। ठीक है, विदाउट एरर यानी नो एरर्स, कोई भी एरर्स यहाँ पे नहीं होंगे। यहाँ तक मेरी बात आपको बेटा समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से? चलो जी, आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट बेटा यहाँ पर। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है बेटा यहाँ पे, गिवन द वैल्यूज ऑफ एक्स, गिवन द वैल्यूज ऑफ एक्स, गिवन द वैल्यूज ऑफ एक्स आई बेसिकली द मीन, द मीन वैल्यू ऑफ एरर, द मीन वैल्यू ऑफ एरर, द मीन वैल्यू ऑफ एरर टर्म, ऑफ एरर टर्म म्यू आई इज जीरो, म्यू आई इज जीरो, दैट इज, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई इज इक्वल्स टू जीरो। ध्यान रखना, पॉपुलेशन का जो एरर्स का एक्सपेक्टेशन आप निकालते हो तो गाइस वो बेसिकली जीरो होता है। ठीक है, तो जस्ट ये भी गाइस थोड़ी इंपॉर्टेंट अजम्पशन में काउंट हो जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई अच्छे से, बढ़िया से? अच्छा, एक अजम्पशन है हमारी इसके बाद में, फोर्थ अजम्पशन, दैट इज होमोस्टैस्टिसिटी। ठीक है, होमोस्टैस्टिसिटी, होमोस ऐसे कर ले, बात कर लेते हैं, स्टैस्टिसिटी। देखो सिटी, स्टैस्टिसिटी, ठीक है, देखो होमो का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे इक्वल, और स्टैस्टिसिटी का मतलब होता है बेटा एरर्स, तो यानी इक्वल एरर्स। अगर आप इसकी बात करते हो तो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे वेरियंस ऑफ म्यू आई निकालते हो, अगर आप यहाँ बेटा वेरियंस ऑफ म्यू आई की बात करते हो तो गाइस वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर होता है। यानी आप सोच रहे होंगे म्यू आई है तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर आई आना चाहिए था, नहीं, सिग्मा स्क्वायर आई नहीं आता यहाँ पे गाइस, इनकी वैल्यू बेसिकली सेम रहती है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आपको बेटा समझ में आती है? अच्छा, थोड़ा सा ना यहाँ पे जस्ट एक छोटी सी वैल्यू डिस्कशन पे रहेगा, इस समय ना यहाँ पे ध्यान से, दैट इज, चलो काम करते हैं, पहले पांचवा रिमार्क और लिख लेते हैं, उसके बाद कुछ गाइस रिमार्क्स होंगे वो साथ साथ बताऊंगा मैं आपको। फिफ्थ रिमार्क है बेटा यहाँ पे, फिफ्थ अजम्पशन है यहाँ पे बेटा, देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन, देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन, देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन द एरर टर्म, बिटवीन द एरर टर्म, दैट इज गिवन द टू वैल्यूज, गिवन द टू वैल्यूज, गिवन द टू वैल्यूज, गिवन द टू वैल्यूज ऑफ एक्स आई,
that is xi and xj, given the two values of x, that is xi and xj, मतलब ये जरा ब्रैकेट में ये xi and xj, where i is not equal to j, where i is not equals to j, where i is not equals to j, so the correlation between mu I and mu j is zero, mu I mu j is zero. इसका मतलब बेटा ये हो गया कि अगर आप covariance of mu I and mu j निकालते हो तो basically यानी इसको लिखने का तरीका basically ये हो जाएगा बेटा mu I minus का expectation of mu I, ठीक है, into mu j माइनस का एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू जे, ठीक है, तो जस्ट ये, तो ध्यान रखना बेटा जब अगर इनका इनका बेसिकली एरर्स, आपको पता है कि ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर्स बेसिकली जीरो था, तो ये हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई डॉट म्यू जे, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई डॉट म्यू जे, और एक लॉ के हिसाब से हम इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई कह सकते हैं इनटू expectation of mu j बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से बेटा ये 0 into 0 हो गया, that is 0, so that correlation, guys, correlation between mu i and mu j is basically 0, ठीक है बेटा, अच्छा, अब यहाँ तक मेरी बात आपको basically समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा, अब एक काम करते हैं, देखो, मैं आपको जैसे बता देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको third assumption बताई थी, तो अगर स्पेस नहीं हो तो जस्ट मैं आपको थोड़ा सा एक मैं रिमार्क बताऊंगा जो थर्ड अजम्पशन से कनेक्ट करेगा, एक रिमार्क लिखना बेटा, बेसिकली रिमार्क नंबर वन, कनेक्टेड विद या फिर रिलेटेड टू अजम्पशन नंबर थ्री, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, जस्ट होता है जी कि इफ expectation of mu i given that xi that is also written as expectation of mu i is equals to 0, ठीक है बेटा, मतलब expectation of mu i basically is equals to 0, then the regression line passes through conditional mean value. इसका मीनिंग समझते हो आप, क्या होता है कि अगर बेटा अगर हम बेसिकली रेग्रेशन लाइन की एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है बेटा वो फिर हमारी मीन वैल्यू से पास करती है, इसका मतलब ये हो जाता है कि एक्सपेक्टेशन निकालते हुए हमारा मतलब अगर हम एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो गाइस एरर का एक्सपेक्टेशन जीरो आता है, इस वजह से हमारा लाइन जो बेटा मीन वैल्यू से पास करता है, ठीक है, यहाँ तक एक बार गाइस ये तो एक रिमार्क था जो हमारे बेटा जो रिलेट कर रहा था हमारी अजम्पशन नंबर बेसिकली थ्री से, ठीक है, अच्छा एक रिमार्क और है यहाँ पे, दैट इज रिमार्क नंबर टू, वो गाइस रिलेट करेगा रिलेटेड टू assumption number 4, ठीक है, that is assumption number 4, आपको पता ही है homoscedasticity का मतलब जो मैंने बताया था आपको, देखो बेटा ऐसा होता है कि variance of mu i की अगर आप बात करते हो तो इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, mu i given that x i, variance of mu i given that x i, that is expectation of mu i का square is equals to, लिखने का तरीका is equals to sigma square, ठीक है, ये थोड़ी सी ध्यान रखना, ये सिग्मा स्क्वायर होगा, इसका मतलब बेटा देखो एक तो रिमार्क मेरा यही हो गया और तीसरा रिमार्क बेटा इसी से रिलेटेड है, रिलेटेड टू अजम्पशन 4, दैट इज एक्स आई, देखो एक्स आई इज नॉन स्टोकास्टिक, ठीक है,
एंड ओनली सोर्स ऑफ चेंज इन वाई इज ड्यू टू न्यू आई. ओनली सोर्स of change in yi is due to mu i, यानी mu i की वजह से yi में basically change होगा. यही एक मतलब source है हमारे पास में, ठीक है. उसके बाद guys mu i's are homostatic. Mu i's are homostatic. Therefore, yi's are also homostatic. ठीक है, that is guys जो हमारा variance of mu y होगा वो भी हमारा basically sigma square होगा. ठीक है, तो ये just कुछ remarks थे अजीब से. ठीक है, तो hope so guys आपको just ये remarks समझ में आ गए होंगे. basically guys आप इनको लिख लेना. एक remark number 4 है जो relate करेगा related to assumption 5. ठीक है, that is आपको पता था basically correlation 0 होता है तो covariance between yi and yj is basically 0. ठीक है, यहां तक मेरी बात आपको बेटा समझ में आ गई. Now बेटा 6th assumption हमारी यहां पे 6th assumption that is zero covariance between xi and mu i. ठीक है, zero covariance between xi and mu i. 7th assumption है बेटा हमारे सामने the number of observation must be greater than the number of explanatory variable. गाइस देखो ये चीज समझना ध्यान से. explanatory variable, as you know explanatory variables क्या होता है गाइस, basically explanatory variables x को कहते हैं हम लोग. ठीक है, जो हमारा x होता है वो explanatory variables होते हैं. वो कहते हैं जो number of observation that is n, जो number of observation होगी जो n होगा वो हमेशा explanatory variables यानी x से ज्यादा होगा. ठीक है बेटा, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना. ठीक है, नाउ 8th assumption है हमारी यहां पर. 8th assumption, तो 8th assumption बेटा यहां पे है the variance of x must be finite positive number. देखो बेटा एक्चुअली ये जो कांसेप्ट है ये इट्स इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि गाइस ये भी काफी बार एकेडमिक्स में और एंट्रेंस में कुछ में बात गाइस पूछी जा चुकी है. क्योंकि जो वेरिएंस ऑफ x होता है वो एक तो फाइनाइट होता है यानी इंफिनिटी नहीं होता, तो दूसरा वो पॉजिटिव नंबर होता है. ठीक है, यानी ये वेरिएंस ऑफ xi इज बेसिकली एक तो पॉजिटिव होगा. ठीक है, और दूसरा वो नॉट बेसिकली ये पॉजिटिव तो होगा लेकिन ये लेस देन इंफिनिटी होगा, आप ऐसा मान के चलो इसको. ठीक है बेटा, तो ऑटोमेटिकली फाइनाइट नंबर हो गया. इंफिनिटी से छोटा है तो गाइस वो फाइनाइट ही होगा. नाउ द 9th असम्पशन इज द रेग्रेशन ऑफ x the regression model is correctly specify that is the number that is there is no that is there
इज नो स्पेसिफिकेशन, देयर इज नो स्पेसिफिकेशन बाय बायसनेस, ठीक है, स्पेसिफिकेशन बायसनेस, ठीक है, लिख देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, बायसनेस का मतलब समझते हो क्या होता है? एरर्स को बायसनेस कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे टेंथ अजम्पशन है हमारे सामने, टेंथ अजम्पशन जो इम्पोर्टेंट है, अगर नाइन्थ भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड टेंथ भी बेसिकली गाइस इम्पोर्टेंट है आपकी, दैट इज there are no perfect linear relationships between the explanatory variable, मतलब there is no perfect linear relationship between the explanatory variable। इसका मीनिंग समझते हो क्या होता है? इसका मीनिंग बेटा ये होता है कि जैसे हमने बोला यहाँ पे परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप, इसका मतलब ये हो गया कि लेट सपोज, मान लो कि वाई आई इज इक्वल टू, एक इक्वेशन है बीटा वन प्लस का बीटा टू एक्स टू आई एंड प्लस का बीटा थ्री एक्स थ्री आई। ध्यान रखना बेटा, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमेशा मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल्स में मिलेगी बात आपको, हमेशा कहाँ मिलेगी बेटा, ये मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल्स में मिलेगी बात आपको, उसके अलावा ये बेटा टू वेरिएबल में नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है, अब हम ये कह सकते हैं, अभी हमने अगर ये बोला कि हमारे पास जो एक्स थ्री आई वेरिएबल है वो एक्स टू वाई से रिलेटेड है, तो मान लो ये इसका ट्वाइस है, ठीक है, एक्स थ्री आई जो है एक्स टू वाई का ट्वाइस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो गाइस ये हो गई कि ये परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप हो गया। मैंने इसको जस्ट एग्जाम्पल लिया आपसे, ठीक है, एग्जाम्पल लिया, और गाइस अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा बीटा वन प्लस का बीटा टू एक्स टू आई प्लस का बीटा थ्री और टू इंटू एक्स टू आई प्लस का, अच्छा म्यू आई भी रख लेते हैं यहाँ पे म्यू आई, और कॉमन लिया मैंने इसको इज इक्वल्स टू बीटा वन प्लस का एक्स टू आई इंटू बीटा टू प्लस का टू बीटा थ्री प्लस का म्यू आई, ठीक है। और अगर इसको बेटा थोड़ा बहुत हम सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं बीटा वन प्लस का सी एक्स टू आई प्लस का म्यू आई, यानी इसका मतलब क्या हो गया, पूरी वैल्यू को मैंने सी बोल दिया, ठीक है। अब होगा क्या, आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, मान लो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आप बीटा वन और सी सॉल्व कर सकते हो इजिली, बट यू कांट सॉल्व बीटा टू बीटा थ्री सेपरेटली, ठीक है। आप हमेशा सी की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, बट गाइस आप बीटा टू बीटा थ्री को अलग से सॉल्व नहीं कर सकते। तो गाइस अगर ये अलग से सॉल्व नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है कि कहने की मिस्टेक हो गई, इस वजह से देयर इज नो परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप। अगर परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप होगा तो आप पैरामीटर्स को इंडिविजुअल बेसिस पे सॉल्व नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई गाइस देयर आर नो परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। यहां तक मेरी बात आपको बड़ा समझ में आ गई, अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 100% आएगा, दैट इज गॉस मार्को थ्योरम। देखो बेटा, गॉस मार्को एक इकोनोमेट्रिक्स के खिलाड़ी थे, आई थिंक इनके बारे में मैंने जितना रीड करा ये मैथमेटिशियन भी थे एंड बेसिकली इन्होंने इकोनॉमिक्स में भी काफी सारी मैथमेटिक्स यूज करके काफी अच्छे मॉडल्स में एक्सप्लेन करे हुए एंड देन गाइस ये भी इन्होंने गॉस मार्को थ्योरम के नाम से फेमस है, इकोनोमेट्रिक्स का इन्होंने बहुत बड़ा कंसेप्ट सॉल्व किया है, इनकी एक थ्योरम है जिसे हम गॉस मार्को थ्योरम कहते हैं, ठीक है। बेसिकली मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिशियन भी है, इनके बारे में छोटी सी हिस्ट्री है, वो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, मैं हर बैच को बताता हूँ, मैं आप लोगों को भी गाइस बताता हूँ। देखो बेटा, एक्चुअली गॉस मार्को जब बहुत छोटे थे, एक्चुअली होता क्या था बेटा, बेसिकली मैं आपको छोटा सा स्टोरी टाइप बताता हूँ कि पहले जमाने में क्या होता था, मतलब मान लो 100-150 साल पहले, मैं जनरल बात कर रहा हूँ आपसे, 100-150-200 साल पहले, तो उस टाइम बेटा जो जो कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते थे ना, वो ऐसे नहीं हुआ करते थे जैसे आज की डेट में। आज की डेट में तो कॉलेज के प्रोफेसर
है भी और नहीं भी पता ही नहीं लगता कि कॉलेज के प्रोफेसर हैं या नहीं। मतलब कॉलेज के प्रोफेसर का मतलब ही हो जाता है कि एक तो वो मास्टर्स हैं, मास्टर डिग्री है, फिर उनका नेट पेपर क्लियर होगा, या फिर वो मतलब नेट पेपर क्लियर होगा, साथ साथ वो JRF भी हो सकता हो, वो PhD कर रहे हो, प्लस वो बहुत बड़ा इंटरव्यू फेस करते हैं जब उनका बेटा वो फिर वो शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर उनको सिलेक्शन होता है, देन फिर उनको कॉलेज में लेक्चरशिप मिलती है। ठीक है, मतलब इनका प्रोसेस तो बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन जब आप लोग इनकी टीचिंग देखते हो तो लगता है कि यार ये तो ऐसा लगता है कि रिश्वत दे के टीचर बने। ठीक है, लेकिन गाइस पहले जमाने की अगर बात करते तो पहले जमाने में ना कॉलेज के प्रोफेसर एमवी नहीं लगा करते थे। कॉलेज के प्रोफेसर के लिए सबसे पहले जरूरी हो पता था कि एज अच्छी खासी होनी चाहिए, मतलब यंगर्स को तो कॉलेज तक भेजते ही नहीं थे टीचिंग में। अगर जैसे बात करूँ थोड़ी पुरानी, न्यूटन के टाइम की, आइंस्टाइन के टाइम की, ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन के टाइम की बात अगर मैं करता हूँ आप लोगों से, तो अब एक कहानी क्या है, 100-200 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, कि एक स्कूल में एक पर्सन था। ठीक है, वो बहुत इंटेलिजेंट था, मतलब वो ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, और आई थिंक PhD भी थे। ठीक है, ठीक है, वो बड़े मैथमेटिक्स के बहुत बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे, लेकिन एक बात थी कि उनके ना एज थोड़ी कम थी, होता है थोड़ी सी उम्र कम थी, जैसे हमारी भी उम्र कम है, ठीक है, उनकी उम्र कम थी, तो उनको उन्होंने बेसिकली कॉलेज के लिए अप्लाई करा तो उनको कॉलेज टीचिंग नहीं दी गई। ठीक है, तो उनको यही बोला गया कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन सारी अच्छी है, पर आपकी एज कम है, तो उस पॉइंट से ये हुआ कि उनको ना स्कूल में टीचिंग दे दी गई। ठीक है, उन्हें बेसिकली स्कूल के अंदर टीचिंग दे दी गई। अब जब वो स्कूल के अंदर बेसिकली ये पढ़ाने गए, पहली बार तो उनको खुशी नहीं थी, लेकिन जब वो पढ़ाने गए तो उनको बेटा छोटी क्लासेस प्रोवाइड कर दी, छोटी क्लासेस, बहुत छोटी क्लास, मतलब फर्स्ट या सेकेंड जो भी होती है छोटी क्लासेस। अब वो क्या करे, इतना बड़ा मैथमेटिशियन क्या करें, वो तो बहुत टॉप लेवल के मैथमेटिशियन थे, तो वो क्या करते थे, बच्चों को मतलब क्लास में जाते थे बच्चों से, छोटे बच्चे तो ये मतलब बेटा फिर तो टाइम पास ही हो गया, जैसे हमारे कॉलेज के अंदर, मतलब कॉलेज के अंदर जैसे लेक्चरर करते ना आके टाइम पास, ऐसे वो भी टाइम पास करने लगे। वो बोलते थे बच्चों गिनती लिखो, 1, 2, 3, 4, मतलब बच्चों से कहते थे बच्चों गिनती लिखो, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन करते करते 10 तक गिनती लिखो। बच्चे घंटों में गिनती लिखते थे, चलो लिखी है, और जब गिनती लिख लेते थे फिर कहते थे बच्चों उनको अब ऐड करके लाओ। ठीक है, तो बच्चे ऐड करने में, और जब तक बच्चे इसको ऐड करके लाते थे तब तक गाइस ऑलमोस्ट पीरियड खत्म हो जाया करता था। ठीक है, अब यही होता था डेली का ये रूटीन, आए हाँ जी आ गए, फिर बोला जी बच्चों गिनती लिखो, बच्चे 1, 2, 3 अप टू 10 तक लिख के आ गए, फिर बोला जी उनको ऐड करो, बच्चे 1+2+3 ऐड कर रहे हैं, 10 तक ऐड करके ले आते थे आंसर। ठीक है, चेक करा ले करते थे, डेली रूटीन यही हो गया। एक दिन वो आए, उन्होंने बच्चे अब उन्होंने बोला बच्चों गिनती लिखो, बच्चों ने लिखा 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन, 10 तक गिनती लिखी। फिर उन्होंने बोला बच्चों अब इसको ऐड करके लाओ। अब हुआ ये, जब उन्होंने बोला कि इसको ऐड करके लाओ, एक बच्चा 2 मिनट में आ गया, मतलब बहुत जल्दी आ गया, जितना वक्त नॉर्मल बच्चे लेते थे उनसे तो बहुत ही ज्यादा जल्दी आ गया। मान लो जैसे उन्होंने क्वेश्चन दिया 2-3 मिनट के बाद आ गया, एकदम आंसर चेक करने लगा, तो उन्होंने देखा आंसर तो सही है, लेकिन उन्होंने देखा बच्चे ने कुछ नया अजीब सी बात लिखी हुई है। उन्होंने पूछा बेटा तुम्हारा आंसर आ गया, मतलब कैसे आया, मुझे एक बार बताओ आंसर कैसे आया। तो उस बच्चे ने बोला कि सर देखो मेरे, मतलब उन्होंने मतलब इंग्लिश में बात करी होगी, मैं तो जैसे हिंदी में बता रहा हूँ, उन्होंने बोला सर देखो ये तो हमें पता था कि इसका आंसर 55 है, मतलब जब हम इसको ऐड करेंगे 1+2+3 अब ऐड भी कर लो तो ये ऑलमोस्ट बेटा आई थिंक 55 ही होता है। ठीक है, ठीक है ना, 55 ही होता है। तो उन्होंने उसने बोला बच्चे ने कि देखो सर हमें ये बात तो पता थी कि इसका जो सम है वो 55 है, तो बस मैंने 55 सम लेकर आया। उन्होंने बोला कैसे लेकर आया भाई। उन्होंने उसने बोला बच्चे ने कि सर देखो आप ना 1 to 10 गिनती देते थे, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने क्या करा, मतलब पहले टर्म को 1 को और आखिरी वाले टर्म को ऐड कर दिया। क्या ठीक है, कह रहा 55 तो नहीं आया, कि तब सिर्फ फिर मैंने ये देखा कि आप मतलब नंबर कितने थे इसके अंदर। हमने बोला हाँ भाई 10 नंबर थे। उसने बोला फिर मैंने सर उन टोटल नंबर से मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कह रहा फिर भी आंसर नहीं आया। तो फिर मैंने देखा था कि बेसिकली मैं ऐड कितने नंबर को कर रहा हूँ, 1 और 10 ये 2 नंबर है, इसका मतलब क्या मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो यानी जब हमने इसको सॉर्ट आउट करा तो 55 आया। यानी देखो इंटरेस्टिंग बात देखो क्या थी, अगर ये कहानी सच्ची है, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो 10 है वो n है, 2 आ गया, यहाँ पे जो 1 है वो फर्स्ट टर्म है a, और जो ये 10 है ये वाला ये है an, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये sn का फॉर्मूला है, आपको शायद पता लग गया होगा sn का फॉर्मूला, और ये sn का फॉर्मूला
बनाया एक दूसरी क्लास के स्टूडेंट ने, पहले दूसरी क्लास के स्टूडेंट ने, मतलब कितनी हैरानी वाली बात है कि जो बच्चा पहली दूसरी क्लास में, उसने हमारे उस फॉर्मूले को बनाया जिस फॉर्मूले को हमने टेंथ में इस्तेमाल करा और टेंथ के बाद में भी फर्स्ट ईयर तक भी लेकर आए, दैट इज एसएन का फॉर्मूला। एंड गाइस उस बच्चे का नाम था गॉस मार्को, ठीक है। तो बेसिकली गॉस मार्को की हिस्ट्री है एंड आगे चल के बच्चे ये ऑब्वियस बात है बहुत बड़े मैथमेटिशियन बने, फिर इकोनोमेट्रिक्स में काफी अच्छा इन्होंने वर्क करा, स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छा वर्क करा, एंड देन आफ्टर दैट इकोनॉमिक्स में भी काफी ज्यादा इनका नाम है, ठीक है बेटा। तो बेसिकली छोटी सी हिस्ट्री थी, आई नो आप बोर हो गए होंगे, लेकिन गाइस जस्ट मुझे अच्छा लगता है, मैं हर साल बताता हूँ ये बात। नाउ गाइस अब हम टू द पॉइंट अपने कंसेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज गॉस मार्को थ्योरम। गॉस मार्को थ्योरम, ठीक है, गॉस मार्को थ्योरम। अब देखो गॉस मार्को थ्योरम में बेटा चार प्रॉपर्टीज हैं, आपको चारों प्रॉपर्टीज अच्छे से समझनी है, ठीक है, थोड़ी सी ठीक ठाक प्रॉपर्टीज है, लेकिन हाँ अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 100% पेपर में आएगी, गारंटी बेटा 100% पेपर में गॉस मार्को थ्योरम आएगी डेफिनेटली, ठीक है। बेसिकली गाइस ये प्रॉपर्टीज है, सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर दैट इज प्रॉपर्टी नंबर वन, सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर वन दैट इज लीनियर एस्टिमेटर। लीनियर एस्टिमेटर, देखो बेटा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, गॉस मार्को थ्योरम का जो कंसेप्ट है हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, हम लोगों ने अभी कुछ मतलब आज की क्लास में और इससे पहले की क्लास में एक पीआरएफ लिखा था कि वाई इज इक्वल्स टू बीटा वन प्लस का बीटा टू एक्स प्लस का म्यू आई, जिसका हमने एसआरएफ लिखा। देखो गाइस दिस इज बेसिकली पीआरएफ, ओके, इसका हमने एसआरएफ बनाया, एसआरएफ था वाई बेसिकली बी वन बी टू एक्स बेसिकली एंड ई आई। तो गाइस ये हैट है, एस्टिमेटेड कह सकते हो, हैट वैल्यू है ये, ठीक है, बट ये गाइस हमारा एसआरएफ है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, देखो बीटा बी वन बी टू, जो कि बी वन रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा वन को, बी टू रिप्रेजेंट करता है बीटा टू को, तो बी वन बी टू जो एस्टिमेटर्स है उनकी ही प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जो हमने बी वन एंड बी टू की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बेसिकली सेटिस्फाई करती है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये बेसिकली हमारे सामने बी वन बी टू है, तो अब हम बेटा इसकी प्रॉपर्टी बेटा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है यहाँ पर, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है यहाँ पर दैट इज, तो बेटा लिखना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखना बेटा टू शो बी टू इज लीनियर एस्टिमेटर। बेटा देखो हम पहले बी टू की बात करेंगे फिर बी वन की बात करेंगे, तो पहले हमने लिखा बी टू इज लीनियर एस्टिमेटर ऑफ बीटा टू, ठीक है। सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि भाई वो इसका लीनियर एस्टिमेटर है। अब बेटा अगर मैं आपको थोड़ा बहुत मैं आपको याद दिलाऊं तो पहले तो हम यहाँ पे प्रूफ लिख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर मैं आपको बेटा याद दिलाऊं, तो हमारे पास एक इक्वेशन थी बेसिकली बी टू का फॉर्मूला था जो हमने डिराइव किया था, दैट वॉज बेसिकली समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई वाई आई अपॉन में समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है। तो गाइस हमारे पास में एक इक्वेशन थी जिस हमने ये पैरामीटर की वैल्यू सॉल्व करी थी। अब मैंने क्या करा यहाँ से, मैंने मुझे पता ही जो वाई आई है स्मॉल वाई आई, इसको मैं लिख सकता हूँ वाई आई माइनस का वाई बार, स्मॉल का मतलब ही होता है कि एक्चुअल और मीन का डिफरेंस। तो मैंने क्या किया यहाँ से इसको सॉल्व किया, सबसे पहले तो मैंने स्मॉल वाई को लिखा कैपिटल वाई आई माइनस का वाई बार एंड अपॉन में समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट बेटा थोड़ा सा मैंने इसको अंदर सिंपलीफाई करा और इसको बेटा इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अगर मैंने इसको अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करा तो ये आया जी समेशन स्मॉल एक्स आई कैपिटल वाई आई माइनस का वाई बार समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। एंड एक बात और आप बहुत अच्छे से जानते हो, शायद ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्मॉल एक्स आई का जो समेशन होता है वो क्या होता है मेरे बच्चा, जीरो होता है। अगर आपको याद नहीं तो नोट्स में देख लेना, जैसे मैं यहाँ पे बना के लिख भी देता हूँ, समेशन स्मॉल एक्स आई जो होता है वो जीरो होता है, मतलब स्मॉल एक्स आई का समेशन ऑलवेज बेसिकली जीरो, ठीक है। इसका मैंने प्रूफ भी करवाया है आप लोगों को, तो अगर आप इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हो तो ये वैल्यू आएगी समेशन स्मॉल एक्स आई कैपिटल वाई आई
अपॉन समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई का स्क्वायर। नाउ अब मैंने क्या करा इधर के ये जो एक्स आई और वाई आई है ना, इसको सब मैंने थोड़ा सिंपलीफाई करके ऐसे लिख दिया, दैट इज स्मॉल एक्स वन वाई वन प्लस स्मॉल एक्स टू वाई टू प्लस स्मॉल एक्स थ्री वाई थ्री एंड सो ऑन प्लस स्मॉल एक्स एन वाई एन, ठीक है, एंड एंड कंप्लीट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। अब बेटा अगर मैं इसको देखो इसके एक्स आई को अलग अलग कर दूं, स्मॉल एक्स वन अपॉन में समेशन एक्स आई स्क्वायर और वाई वन बाहर ले गया, ऐसे ही एक्स टू अपॉन में समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर वाई टू को बाहर ले आया, ऐसे ही एक्स थ्री अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ऐसे वाई थ्री को बाहर लिया, ऐसे सो ऑन करते करते गया और ये आया जी एक्स एन स्मॉल एक्स एन अपॉन में समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर वाई एन, ठीक है। अब गाइस देखो है क्या, मैं इस वैल्यू को देखो बेटा ये पैटर्न है, ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो करना, इस वैल्यू को इन वैल्यूज को कुछ एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इनको गाइस कुछ एज्यूम कर रहा हूँ, और गाइस एज्यूम भी ऐसे नहीं कर रहा हूँ, उस अजम्पशन को भी मैं आगे मल्टीपल टाइम्स प्रूफ करूंगा, काफी देर तो उसमें सेटिस्फाई करवाऊंगा। तो इसे मैंने लेट किया के वन, इसे लेट किया के टू, इसे लेट किया के थ्री, ठीक है, एंड इसको हम रख लेंगे के एन, ठीक है, मतलब आगे तक की वैल्यू जाएगी। एंड गाइस अगर आप इसको थोड़ा बहुत देखते हैं सिंप्लीफाई करते, ये हो गया, ये बन गया के वन वाई वन प्लस के टू वाई टू प्लस मतलब सो ऑन एंड प्लस के एन वाई एन, ठीक है, यानी बी टू। और अगर आप इसको थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ के आई वाई आई, गॉट इट। तो अगर आप ध्यान दो इधर ध्यान दो तो जो बी टू है वो बेसिकली लीनियर एस्टिमेटर बन गया, बी टू इज द बेसिकली लीनियर, क्योंकि देखो यहाँ पे k की पावर वन और y की पावर वन, अब आप बोलो तो ये तो हमने जानबूझ के बनाई है, तो ठीक है ना बनाई है, लेकिन लेकिन गाइस अब जैसे भी था बनाना तो था, तो हमने गाइस इसको बना दिया, मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफिकेशन तो गाइस पॉसिबल है हमारे लिए। हाँ यहाँ पे जो बेटा जो के आई है वो बेसिकली एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर है, ठीक है, जहाँ पे i की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल n तक अप्लाई करेगी, ठीक है। अब जिस चीज लिख लेना बेटा, देयरफॉर जस्ट लिख देता हूँ आपके लिए, b2 इज लीनियर एस्टिमेटर, b2 इज लीनियर एस्टिमेटर ऑफ बीटा 2, ठीक है, तो गाइस ये जस्ट एक एक इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गई। अब गाइस हमारा जो सेकंड पॉइंट है दैट इज टू शो, ये गाइस हमारा सेकंड पॉइंट है टू शो b1, टू शो b1 इज लीनियर एस्टिमेटर, लीनियर एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन, लीनियर एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन, लीनियर एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन बेसिकली। तो गाइज चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको, अभी प्रूफ देखते हैं भाई इसका क्या है, ठीक है जी, इसका प्रूफ देख लेते जी क्या है। देखो गाइज हमारे पास जैसे आपको पता ही है कि हमारे पास b1 की वैल्यू हमने कैसे सॉल्व की थी, देखो बेटा b1 की वैल्यू हम लोगों ने कुछ इस टाइप से सॉल्व की थी, दैट इज y बार माइनस का b2 x बार, अगर आपको याद हो। हाँ मैंने आपको अपनी क्लास के अंदर b1 की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू भी सॉल्व करके बताई थी, लेकिन गाइज वो वाली बात है वो तभी करना है जब आपको स्पेशल उसके बारे में बोला जाए कि भाई वैसे ही सॉल्व करो, ठीक है, तो आप इसको बेसिकली मॉडिफाई कर सकते हो। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आप ये भी देखो b1 की वैल्यू भी निकालो तो b1 की वैल्यू तभी निकलती थी जब हम यहाँ पे ये वाली b2 की वैल्यू पुट करते थे। अब अगर मैं यहाँ पे मॉडिफाई वैल्यू पुट कर दूं तो बुरी बात थोड़ी है, जिस एज वी नो दैट कि b2 अब जो है वो समेशन के आई वाई आई बन गया, जो b2 है अब वो समेशन के आई वाई आई बन गया। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ तो बेटा क्या आएगा, समेशन ऑफ के आई वाई आई इंटू ये एक्स बार, गॉट इट। थोड़ा सा इसको अब देखो और सिंपलीफाई मैं कर रहा हूँ इस चीज को, y बार की वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हो, y बार की वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो बेटा समेशन y i अपॉन में n माइनस का x बार समेशन k i y i, ठीक है,
अब इसको जस्ट हमने क्या किया, इधर थोड़ा सा इसको और सिंपलीफाई करा। देखो समझना, मैंने इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करा। मैंने क्या करा कि इनका जो है समेशन बाहर ले आया मैं। अब देखो आप देखना क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, समेशन में इधर ले आया, समेशन ऑफ एक्स बार के आई, समेशन ऑफ एक्स बार के आई, ठीक है, एंड बाहर लिख दिया मैंने वाई आई यहाँ पर। तो एक तरीके से तीनों का समेशन टाइप हो गया। अब अगर बेटा बात बताओ, अगर मैं इनका समेशन यहाँ से बाहर कॉमन ले लूँ, यहाँ बचे वाई आई अपॉन में एन माइनस का एक्स बार के आई वाई आई, बुरी कोई बुरी बात तो नहीं, मतलब ये ऑथर ने इसको थोड़ा सा ऐसे टेक्निकल बताया। और साथ साथ अगर मैं यहाँ से वाई को उधर ले जाऊँ, मतलब उधर ले लें, उधर क्या, उधर ब्रैकेट कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो जस्ट ये इक्वेशन बन गई। तो अगर आप ध्यान दो कि ये बन गया समेशन ऑफ वन अपॉन में एन माइनस का एक्स बार के आई इंटू वाई आई। और आप देखो यहाँ पे इसकी जो पावर है बेसिकली गाइस वो वन है, ठीक है, यहाँ पे गाइस इसकी बेसिकली पावर जो है गाइस वो वन है। तो ये हो गया गाइस लीन एस्टिमेटर ऑफ, बेसिकली गाइस दिस इज लीन एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन, देयर फॉर बी वन इज लीनियर एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन। गॉट इट, यहाँ तक मेरी बात आपको बड़ा समझ में आ गई अच्छे से बढ़िया से। नाउ अब कुछ रिमार्क से, जरा वो रिमार्क समझ लो, मतलब हमने फिलहाल अभी एक ही प्रॉपर्टी देखी है, कुछ रिमार्क से गाइस, रिमार्क वो जरूरी है अभी डिस्कस करने। देखो तो गाइस मैंने अभी यहाँ पे आपके साथ में एक अजम्पशन के तौर पर लिखा था कि भाई जो के आई होता है वो स्मॉल एक्स आई अपॉन में समेशन एक्स स्मॉल एक्स आई स्क्वायर, ये हमने अपनी मर्जी से मान लिया। अब जब हमने किसी भी चीज को अपनी मर्जी से मानते हैं तो हमारी शर्त क्या होनी चाहिए वहां पर, कि अगर हम कुछ अपनी मर्जी से मान रहे हैं तो दूसरी कुछ प्रॉपर्टीज हो तो गाइस वो वहां पे बेसिकली सेटिस्फाई करनी चाहिए, समझ रहे हो। मतलब यार अगर मैं अपनी मर्जी से कुछ कुछ अजम्पशन ले लेता हूँ तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ऑथर ने जिन जिन चीजों को बोला है कि भाई सेटिस्फाई करनी चाहिए तो वो बातें मेरी अजम्पशन पर भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, अदरवाइज ऐसे तो फिर हम कुछ भी अजम्पशन ले लेंगे, ठीक है, टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमें अजम्पशन भी इतनी ध्यान रख के लेनी है कि भाई कि जो ऑथर ने बोला है उसकी चीजें वायलेट ना हो, ठीक है। अब देखो ऐसे करके समझना, पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ, ये जो के आईज है इसको हम एक तरीके से वेट्स बोलेंगे, ठीक है, इसे हम एक तरीके से बेटा क्या बोलेंगे, वेट्स। चलो जी अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, जो है हमारा के आई की कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ के आई क्या क्या होंगी। वो सबसे पहली प्रॉपर्टी बेसिकली देखो ऐसा होता है कि एक्स, अगर हमने मान के चलते थे एक्स आई आर नॉन स्टोकास्टिक, जैसे कि आपको पता है हमने अजम्पशन ऑफ सी एल आर एम में पढ़ा था एक्स आई नॉन स्टोकास्टिक, तो गाइस ध्यान रखना जो के आई होता है ना, के आई आर ऑल्सो ऑल्सो नॉन स्टोकास्टिक। आप बोलो सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप, तो कोई रीजन है इस बात का। जब मैंने के आई की वैल्यू निकालना हो तो के आई की जो डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी है वो एक्स पर डिपेंड कर रही है, और एक्स पर डिपेंड कर रही है मतलब कैपिटल पे भी, कैपिटल एक्स पर भी डिपेंड कर रही है। तो अगर ओनली यहाँ पे एक्स ही वेरिएबल है और अगर एक्स वेरिएबल नॉन स्टोकास्टिक है तो वो जिसके भी बराबर होगा वो वैल्यू भी बेटा क्या होगी, नॉन स्टोकास्टिक, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है अच्छे से। नाउ सेकेंड रिमार्क है बेटा यहाँ पर, दैट इज अगर अगर आप के आई का समेशन कर दो तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखो, ठीक है बेटा, अब इसका प्रूफ देखो यहाँ पे ध्यान से, दैट इज हमारे पास बेसिकली के आई था और वो था स्मॉल एक्स आई अपॉन में समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब अगर मैंने इसका क्या करा, समेशन लिया दोनों जगह, ठीक है, मैंने बेसिकली इसका दोनों जगह समेशन लिया, तो अब एक एक करके बेटा बात समझना। जैसे अगर मैं पहले बात तो पूरा का समेशन लिया जाएगा तो ये समेशन अलग अलग हो जाएगा, मतलब समेशन का समेशन इज सेम समेशन, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो समेशन का समेशन इज समेशन ही जाएगा। अब मुझे बताओ बेटा ऊपर वाली वैल्यू स्मॉल एक्स आई का जो समेशन है वो क्या होता है, जिसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था बेटा ये जीरो होता, तो जीरो बाय समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई स्क्वायर दैट इज जीरो, ठीक है, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई दैट इज जीरो।
इस वजह से बेटा सारा का सारा कंसेप्ट क्या हो गया आपका जीरो। नाउ थर्ड है हमारे सामने समेशन ऑफ के आई स्क्वायर इज वन अपॉन में समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, मतलब समेशन ऑफ के आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन में समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई स्क्वायर। प्रूफ देख लो बेटा इसका, प्रूफ क्या कहता है जी हमसे, प्रूफ है जी हमारे पास के आई था ये स्मॉल एक्स आई अपॉन में समेशन एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, हमने क्या करा सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ठीक है, फिर हमने क्या किया समेशन दोनों जगह लिया, समझ रहे मेरी बात को, यानी ये हो गया समेशन ऑफ के आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देखो ये क्या हुआ, ये सेम वैल्यू आ गए तो इस वैल्यू से एक किया गया तो बचा गया यहाँ पे वन अपॉन में स्मॉल एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, ये चीज तो कहीं दीजिए मतलब एक्स आई का स्क्वायर को फिर समेशन करो, ठीक है, एंड समेशन का समेशन इज सेम एज इट समेशन, ठीक है बेटा, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से बढ़िया से। नाउ फोर्थ पॉइंट बेटा यहाँ पर दैट इज समेशन के आई डब्ल्यू आई सॉरी समेशन के आई एक्स आई इज बेसिकली वन एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू समेशन ऑफ स्मॉल मतलब के आई इंटू कैपिटल एक्स आई इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू वन, ठीक है बेटा, मतलब आप के आई का मल्टीप्लाई स्मॉल एक्स आई से करो या के आई का मल्टीप्लाई कैपिटल एक्स आई से करो बेटा वो जीरो ही सॉरी वन ही होता है। अब इसका प्रूफ देख लो, प्रूफ क्या है बेटा दैट इज ये जस्ट एज वी नो दैट के समेशन ऑफ के आई और स्मॉल एक्स आई, इसको लिखने का तरीका समझना, मतलब मैं इसको लिखने का तरीका ये होगा कि जैसे जैसे एग्जांपल मैं एक एक करके बता देता हूँ, मान लो मेरे पास में के आई है ये स्मॉल एक्स आई अपॉन में समेशन स्मॉल एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, अब क्या करो इसकी एक्स आई से मल्टीप्लाई करो, यहां भी कर दिया हमने, ठीक है, अब इसका समेशन ले लो दोनों जगह तो देखो क्या आएगा समेशन के आई एक्स आई ये हो गया समेशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स आई का स्क्वायर, तुम देखो कैंसिल आउट हो गया आ गया जीवन, है ना, कितनी आसान बात, कुछ टफ नहीं इसके अंदर बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा ये बात बार बार ध्यान में बता रहा हूँ आपको, कोई समेशन एक्स आई स्क्वायर है अगर आप इसका समेशन लेते हो तो कह दिया यही सेम बन जाएगा, ठीक है, तो इसमें कुछ खास बात नहीं थी, टफ नहीं था बेसिकली, इदी सा बेटा कंसेप्ट था। सिमिलरली मैंने आपको ये एक्स्ट्रा वैल्यू और बताई तो इसके बारे में बेटा मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज मेरे पास स्मॉल के आई था मतलब के आई था इक्वल्स टू स्मॉल एक्स आई इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, मैंने क्या करा इसकी मल्टीप्लाई कैपिटल एक्स आई से करी, ठीक है, मैंने इसकी मल्टीप्लाई किससे करी कैपिटल एक्स आई से, अब जरा एक बात समझना ध्यान से, कैपिटल एक्स आई से करी और साथ साथ मैंने क्या करा समेशन लिया दोनों जगह, यानी मतलब समेशन लिया मतलब पूरा समेशन लिया था जिसकी वजह से ये ओनली समेशन ऊपर वाले का रहेगा, तो समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई, अच्छा कैपिटल एक्स आई को जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो स्मॉल एक्स आई होता है वो कैपिटल एक्स आई माइनस का एक्स बार होता है, तो अगर जस्ट मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट अबाउट कैपिटल एक्स है तो आप उसे बोलोगे स्मॉल एक्स आई प्लस का एक्स बार, ठीक है, तो आप जस्ट ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो इसके जगह, तो ये हो जाएगा स्मॉल एक्स आई प्लस का एक्स बार एंड अपॉन में समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई स्क्वायर, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें हम लोग बेटा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई स्क्वायर प्लस का एक्स बार समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन में एक्स आई स्क्वायर, एंड गाइस आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये वैल्यू क्या होती है जीरो, स्मॉल एक्स आई का समय जो होता है बेटा वो जीरो होता है, तो उस हिसाब से ये बना समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, कैंसिल आउट कर दिया तो बेटा क्या आ गया आंसर बेसिकली वन, ठीक है बेटा मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है अच्छे से बढ़िया से, ठीक है बेटा, ओके। तो बेटा देखो अभी की क्लास के अंदर मैंने एक तो अजम्पशन डिस्कस करी, उसके बाद गए थी मैंने प्रॉपर्टी गॉस मार्को थ्योरम की प्रॉपर्टी डिस्कस करी है, एंड गाइस बेसिकली यहाँ पे चार प्रॉपर्टीज हैं, मैं इस क्लास के अंदर एक ही प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद की जो क्लास होगी बेटा उसके अंदर प्रॉपर्टी 2, 3 और 4 डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा, तो गाइस इस क्लास को अच्छे से देखना, कोई भी दिक्कत है मुझे बताना गाइस, ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।